दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है अनफॉर्चुनेट यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय इंडेक्स वो मार्ट में, इस इंडेक्स वो मार्ट में हैक्सोल कंपनी के मैं स्टॉल पर आया हूँ। और इस हैक्सोल कंपनी ने जो थ्री व्हीलर बनाया, असल में नाम थ्री व्हीलर है लेकिन थ्री से ज़्यादा इसमें व्हील है और बहुत सारी खासियत लेकर ये आज यहाँ पर लॉन्च हुआ है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कितने रुपये हम आप इसे खरीद सकते हैं, एक बार चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर तक ये जा सकता है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम सर से करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। ये हमारी मैमथ L5 सीरीज़ है। ये टेक्निकली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये थ्री व्हीलर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये ज़रा हटके हैं। जो आम थ्री व्हीलर्स आपको मार्केट में दिखाई पड़ते हैं उससे बहुत अलग फ्रेश डिज़ाइन है, और इसको हमने इंजीनियर बिल्कुल स्क्रैच से किया है। कोई भी और दूसरे थ्री व्हीलर के कॉन्सेप्ट को या डिज़ाइन को कॉपी ना करते हुए हमने जो कस्टमर की एंड रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर का जो कंफर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया है। तो आप देखेंगे ये बहुत स्टेबल थ्री व्हीलर्स हैं। अच्छा, आगे अच्छा सर ये और बताएं कि ये CNG है या इलेक्ट्रिक है? ये सारे इलेक्ट्रिक हैं। हमारी कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है। EV फॉर ऑल हमारी टैगलाइन है, तो हम हर एप्लीकेशन के लिए EVs बनाने के लिए कमिटेड हैं और अच्छी कॉस्ट पे इसको मार्केट में उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर तक जा सकता है सर ये? ये तकरीबन 100 किलोमीटर से प्लस की रेंज है हमारे, अलग अलग 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। सर इसमें सवारियां कितनी बैठ सकती हैं? ये पैसेंजर के अंदर 11 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन किया है प्लस ड्राइवर। सर किस पर्पज से डिज़ाइन किया है, स्कूल के पर्पज से या सवारियों के पर्पज से, किस पर्पज से डिज़ाइन किया? इसके कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सिटीज़ के अंदर भी, टाउन्स के अंदर हॉप इन हॉप आउट सर्विस के अंदर, और स्कूल वैन के कॉन्सेप्ट में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे थ्री व्हीलर में तीन व्हील होते हैं, दो पीछे एक सामने, लेकिन आपने इसमें जो शुरुआत में डबल व्हील दिए हैं, सर ये डबल व्हील का क्या मतलब है सर, क्यों दिए डबल? ये ट्विन व्हील का कॉन्सेप्ट है। इसको लगाने से हमारी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है टर्न के ऊपर, बहुत आसानी से गाड़ी अच्छी स्पीड से निकल जाती है, और इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेटर है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी बेटर है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसपे हमारा पेटेंट है। सर अक्सर देखे गए हैं कि जो थ्री व्हीलर्स होते हैं वो किसी भी गड्ढे में आकर वो आसानी से फिसल कर वो पलट जाते थे, लेकिन इसमें सामने डबल व्हील लगने से शायद मेरे हिसाब से ये समस्या नहीं आएगी इसमें। हाँ, डबल व्हील आगे और पीछे भी डुअल व्हील है। आप देखें इसके अंदर 6 चक्के हैं गाड़ी में जी, तो पीछे भी डुअल व्हील है, तो ये बहुत स्टेबल गाड़ी है, ये बिल्कुल 4 व्हीलर की तरह स्टेबली चलती है। अच्छा सर इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, जरा अंदर से एक बार इसे बता दें। हाँ, तो ये जो गाड़ी है इसके जो फीचर्स हैं, अगर ड्राइवर का कैबिन आप देखेंगे तो इसका कैबिन बहुत स्पेशियस है। बड़े बड़े ट्रक के अंदर भी साइज का कैबिन आपको नहीं दिखाई देगा। सब गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील है और बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। ड्राइवर सीट पे बैठ करके आप चारों तरफ बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं, तो ड्राइवर का कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसके पावर असिस्टेड ब्रेक हैं, ब्रेकिंग करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। इसके अंदर 2-स्पीड गियर बॉक्स है, तो हाई गियर में ये बहुत ऊंची क्लाइम आसानी से चढ़ती है। कितने गियर हैं सर इसमें? 2 गियर हैं इसके अंदर। अच्छा, बैक गियर भी होगा सर? हाँ, रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर भी है। अच्छा सर, इसके डिस्प्ले में क्या क्या दिखाई देगा? इसके डिस्प्ले के अंदर स्पीड, आपके अंदर कितना चार्ज बचा हुआ है, और भी बहुत सारे इसके अंदर जो अच्छा, गाड़ी से संबंधित पैरामीटर जी। म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है? हाँ, म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा सर, पीछे सीट कितने हैं, एक बार जरा दिखाएंगे प्लीज़? पीछे आप देखिए, पीछे 9 सीटें हैं और 2 आगे हैं, तो 11 सीटें हैं इसके अंदर। हाँ, ये पैसेंजर डोर से आप एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे हैं, 2 सीटें इधर हैं, 2 सीटें वहाँ पे हैं, 3 सीटें पीछे हैं, तो टोटल 9 सीट यहाँ पे हैं, 2 सीट आगे हैं, 11 सीटर है। सर ये बताएं मार्केट में कब तक आ जाएगा सर? लो वॉल्यूम प्रोडक्शन हम जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम में शुरू करेंगे। अच्छा सर, कितने प्रोडक्ट यहाँ पर आपने लॉन्च किए हैं सर? यहाँ पे हमने पैसेंजर वर्जन 1 है, 3 कार्गो वर्जन है लोडर, और 1 इलेक्ट्रिक बस है। अच्छा सर, इसके अंदर जो बैटरी है वो बैटरी कौन सी यूज की गई है, NMC है LFP? LFP बैटरी है। LFP है। LFP। अच्छा सर, जो बैटरी इसके अंदर यूज की गई है उसका लाइफ साइकिल लगभग कितना होगा सर, कितने साल तक चल सकती है? एप्लीकेशन के हिसाब से 4 से 5 साल। 4 से 5 साल तक गारंटेड लाइफ साइकिल 2000। सर कीमत क्या रखी है इसकी? कीमत अभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कम्पेटिटिवली प्राइस रहेंगे मार्केट में, तो डीजल और IC इंजन की गाड़ियों से 20-25% ऊपर प्राइस रखेंगे। अच्छा सर, लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हो जिससे लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके इस प्रोडक्ट? हाँ, हमारी वेबसाइट पे लोग जा सकते हैं, hexolmotors.com। सर थोड़ा आराम से बताएं प्लीज़। hexolmotors.com। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।